नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। उत्तर प्रदेश में इस समय राजनीतिक हलकों में मिशन आजम पे काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। हर सियासी दल खुद को आजम का नज़दीकी बनाने की होड़ में लगा हुआ है। आजम खान सपा के कद्दावर मुस्लिम नेता है। आजम खान ने सपा के सिंबल पे ही जेल से चुनाव भी लड़ा था और जीता भी। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार बनेगी सपा की और वो जेल से बाहर निकलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और शिवपाल यादव ने जो चुनाव के दौरान अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बना रहे थे, हार के बाद उन्हें कोसना शुरू कर दिया है। इससे अचानक से आजम खान काफ़ी नाराज़ हो गए हैं। खास बात यह है कि आजम खान और शिवपाल यादव बड़े पक्के दोस्त रहे हैं और समाजवादी पार्टी के जमीनी नेता रहे हैं, मगर समय के साथ सोशल मीडिया के जरिए अपनी राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवपाल अपने ट्विटर हैंडल से मीडिया के जरिए अखिलेश पे तंज कसते रहते हैं, उन पर टॉन्ट करते हैं। तो आजम खान के जो विधायक पुत्र हैं अब्दुल्ला, वो भी ट्विटर के जरिए काफ़ी शायराना अंदाज में समाजवादी पार्टी से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये जो कड़वाहट है, ये ईद के मौके पे भी देखी गई। सभी राजनीतिक दल जो हैं मुस्लिम वोट बैंक में अपनी सेंधमारी करने के लिए आतुर हैं। उनकी बड़ी वजह भी है, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 20 करोड़ के आसपास है और यही वजह है कि भाजपा के अलावा हर सियासी दल इस समय इस बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ करना चाह रहा है, ताकि चुनाव में वो आसानी से अपनी नैया पार लगा सके। प्रदेश में जिस तरीके से मिशन आजम चल रहा है, उसके पीछे यह वजह है ताकि आजम के जरिए मुसलमानों का रहनुमा बना जा सके। मैं आपको बता दूं कि आजम खान जिस इलाके से आते हैं, वो प्रदेश का एक सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल इलाका है, रामपुर। रामपुर में 51% मुस्लिम आबादी है, जबकि मुरादाबाद और बिजनौर में 47% और 43% आबादी है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में 71 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोट जो है काफ़ी कुछ तय करते हैं। अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द आजमगढ़ और रामपुर सीट पर होने वाले लोकसभा के उपचुनाव है, जिनमें बड़ी भूमिका मुस्लिम मतदाताओं की होने वाली है। जो हालात प्रदेश में बने हुए हैं, उनको देखते हुए सपा को मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में रखना ही होगा। अखिलेश के करीबी नेताओं का ये कहना है कि आजम खान अपने परिवार के ही किसी व्यक्ति को उपचुनाव लड़ाना चाहते हैं, जिसको लेकर के अभी अखिलेश ने ओके नहीं किया है, हामी नहीं भरी है। और अगर एक्सपर्ट्स की बात माने तो 2022 के चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने ये देखा, ये महसूस किया कि मुसलमानों का एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी के खाते में गया। समाजवादी पार्टी के 125 विधायकों की जीत में बड़ा हाथ मुस्लिम वोटरों का रहा है, लेकिन जिस तरह से सपा के मुस्लिम विधायकों पर कार्रवाई हो रही है, पार्टी चुप है। उसके बाद सभी दलों को लग रहा है कि ये अब जो समय है एकदम से एप्रोप्रिएट है, इस बड़े वोट बैंक पे अपना कब्जा करना चाहिए, किसी भी तरीके से सेंधमारी करनी चाहिए, क्योंकि आजम खान एक सबसे बड़ा मुस्लिम फेस है। पार्टी का अगर वो पार्टी से अलग होते हैं तो पार्टी को काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। मैं आपको बताऊं कि 2022 के चुनाव में सपा गठबंधन के पास 34 मुस्लिम विधायक हैं। हालांकि सपा के नेताओं का ये भी कहना है कि आजम खान की नाराजगी सिर्फ इतनी है कि अखिलेश यादव उनसे मिलने जेल नहीं आए हैं, इसी वजह से उन्होंने सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा से मिलने से मना कर दिया। आजम खान की इस नाराजगी का फायदा उठाने में इस समय सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। विधानसभा चुनाव में बसपा ने सबसे ज्यादा 88 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे,
लेकिन एक तरफा वोट मिला सपा को, इसलिए मायावती भी ऐसे बयान जानबूझ के दे रही है ताकि सपा से नाराज मुस्लिम वोट बसपा की तरफ आ जाए और वो अपनी पार्टी को फिर से स्टैंड कर सके, फिर से जिंदा कर सके। यही प्रयास शिवपाल यादव भी कर रहे हैं ताकि अपनी पार्टी को वो सर्वाइव कर सकें। ओबीसी को तो मनमाफ की सफलता नहीं मिली, जो वो चाहते थे वो उनको नहीं मिला। ऐसे में वो विधानसभा चुनाव में तो कतार में हैं, लेकिन उनके मन में क्या है ये किसी को नहीं मालूम। तो दोस्तों, इस समय आजम जो है काफी उभर रहे हैं, उनकी नाराजगी को लोग सीरियसली ले रहे हैं, उनके मन को लोग सीरियसली ले रहे हैं, वो क्या चाहते हैं ये भी वो जानना चाह रहे हैं। आपको ये कंटेंट कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं मुस्लिम फेस आजम को लेकर के, आप अपनी राय मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।